तभी मैंने जब उनसे कुछ कहना चाहा, वो कह ही नहीं पाई मैं, उन्होंने अभद्र टिप्पणियां चालू कर दी, गंदे इशारे करना चालू कर दिए और वहीं से मेरा हाथ घसीट लिया। और जब मेरे पति द्वारा, उनके साथियों द्वारा इस चीज़ का विरोध किया गया, तब हम लोग को पता चला कि वो लोग बहुत ज़्यादा नशे में धुत थे। देखिए, इसमें पुलिस कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट है। शासन, ये जो पुलिस प्रशासन के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ कि पुलिस ने अपनी निष्पक्षता से काम नहीं किया, योग्यता से काम नहीं किया। अगर पुलिस इसमें सतर्क रहती तो ये छोटा सा केस इतना बड़ा नहीं होता। वो सबूत एक दो दिन में दिए जाएंगे, पर यह है कि वो बिना हाईलाइट में अपना परीक्षण कराए क्यों चले गए? हाईलाइट के डॉक्टरों को कराना चाहिए। यही बात अमोलदीप के साथ भी था, उनकी भी पत्नी थी, लेकिन क्या हुआ था, कौन गलती है, किसकी गलती है, मारपीट क्यों हुई है? सोमेश शुक्ला जी खुद हमारे साथ हैं, हमसे पूछते हैं, आप उस समय मौके में क्या टाइम रहा होगा, क्या हुआ था जो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया मामला, किसी मारपीट हो गई, किसकी गलती थी, क्या था मामला? अब गलती आप लोग खुद देखें, हम लोग 23 तारीख की रात की बात है, 12 से 1 बजे का टाइम था, हम लोग एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी हमारी गाड़ी को पीछे से थार गाड़ी ने ओवरटेक किया बहुत बुरी तरीके से। आगे वो लोग लहराते रहे अपनी गाड़ी, हम लोग को पास नहीं दिया, करीब 20 से 25 मिनट पास नहीं मिला। और जब थोड़ी देर बाद हमें साइड मिला तो हमने अपनी गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ाई, उनकी गाड़ी आकर हमारी गाड़ी को टक्कर देकर आगे निकल गई। और तभी मैंने जब उनसे कुछ कहना चाहा, वो कह ही नहीं पाई मैं, उन्होंने अभद्र टिप्पणियां चालू कर दी, गंदे इशारे करना चालू कर दिए और वहीं से मेरा हाथ घसीट लिया। और जब मेरे पति द्वारा, उनके साथियों द्वारा इस चीज़ का विरोध किया गया, तब हम लोग को पता चला कि वो लोग बहुत ज़्यादा नशे में धुत थे। वहाँ पे उनकी वाइफ ने खुद अपने मुंह से हम लोगों से बोला है कि ये बात नहीं मानेंगे, ये बात नहीं सुनेंगे, बहुत नशे में हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप लोग मान जाइए। तो हाथापाई जो हुई है वो दोनों तरफ से हुई है। उनकी तरफ से जो लोग आए हैं उन्होंने रॉड से मेरे पति और उनके साथियों पर हमला किया है। क्या आपके चोट भी लगी थी कहीं पे? ये सब खींचा तानी में ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं, अपनी के चोट लगे हैं ये बता रही हैं। हालांकि इनसे एक सवाल ये भी बनता है कि मारपीट जैसे अमोलदीप के साथ हुई है, उनका कहना है कि आँख निकल गई है और काफ़ी ज़्यादा, एक आँख निकल गई, दूसरी सर्जरी हुई, एयर एम्बुलेंस से उनको दिल्ली ले जाया गया, तो क्या मारपीट इतनी गंभीर हो गई है किसी की आँख निकल जाए? मारपीट इतनी गंभीर नहीं हुई जितना इसको तूल दे दिया गया है, सांप्रदायिकता की उसमें बना दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि उनकी आँख निकाल ली गई, एक आंख फोड़ दी गई, जिनकी आंख जो है वो गाड़ी में गिर गई और वो लोग 10 मिनट तक गाड़ी में आंख ढूंढते रहे, ये उन्होंने खुद बयान दिया है इस चीज़ का, ठीक है। और वीडियो में वो आराम से खड़े नजर आ रहे हैं, मरणासन बोला जा रहा है, ना कि हड्डी। एक वीडियो दिखा रही हैं मेरे कैमरामैन जिसन, दिखाएंगे इस वीडियो में काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे जिनके साथ मारपीट है अमोलदीप भी खड़े हुए दिख रहे हैं। तो इनका एक तर्क है कि जिस समय रायपुरा थाने में दोनों पक्ष आए थे उस समय अमोलदीप साहब के कोई चोट नहीं लगी थी, ये इनका तर्क है। हालांकि अमोलदीप का के परिवार का कहना है कि उनकी आँख उसमें निकल गई थी। अब इसके बाद आप ज्वाइंट कमिश्नर के हाथ मिलने आई हैं, इसके पहले भी कानपुर में भी आपकी तरफ से कभी ब्राह्मण संगठन कई लोग आ चुके हैं, तो मांग क्या है, क्या आप बीजेपी की पार्षद है फिर भी नहीं सुने भाई? बस मांग यही है कि निष्पक्षता से जांच की जाए, हमें योगी जी पर पूरा भरोसा है, आप सब मीडिया वालों पर पूरा भरोसा है कि आप हमारी बात रखेंगे, सारे तथ्य आपके सामने हैं, आप उसे उजागर करेंगे, उनकी मेडिकल जो है क्रॉस रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसकी क्रॉस चेकिंग करवाएंगे, सारी चीज़ें आप सामने लाएंगे। बस यही चीज़ें, हमें परेशान किया जा रहा है, वो एक्चुअली एक दवा व्यापारी हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, हैलेट के सामने ही उनका सर्जिकल स्टोर है, क्योंकि काशीराम में ही उनका हम लोग का मेडिकल होना था, तो उन्होंने वहाँ से उनको रिफ़र किया गया उर्सला, जबकि उर्सला ना रिफ़र करके उन्होंने हैलेट का रिफ़र करवाया, क्योंकि वहाँ पे उनकी जान पहचान है, साठगांठ है, वहाँ से उन्होंने कोई भी सरकारी रेफ़र लेटर नहीं है उनके पास, उन्होंने अपने आप को गंगाराम रेफ़र करा लिया। तो क्या लगता है जो आँख की ये चोट की बात कही जा रही है, आँख निकलने वाली, इसमें कुछ और कोई मामला है क्या? पहले से ही उनकी आँखें डैमेज थी भैया, पहले से ही आँखें डैमेज थी, जो कि आपके सामने खुद ही आ जाएगा, इसकी रिपोर्ट जो है, इसीलिए मैं कह रही हूँ इसकी क्रॉस रिपोर्ट मेडिकल की करानी चाहिए, तब वो साक्ष जो है वो सब आपके सामने आ जाएंगे। इनके साथ कई ब्राह्मण नेता भी हैं, इसमें जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सती महाराज जी, उनके प्रतिनिधि हैं राकेश तिवारी जी, वो भी आए हुए हैं, ये पहले भी आ चुके हैं कमिश्नर साहब से मांग करने के लिए, इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। इनका कहना है कि ब्राह्मण के नाते उनको गलत शोषण किया जा रहा है। तो अब हम राकेश तिवारी जी से पूछ लेते हैं कि क्या आप लोग क्या हैं, क्या कहना है? आज उन्होंने, अंकित शुक्ला ने सरेंडर भी किया है। मेरा नाम राकेश तिवारी है, मैं 3 बार भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री रहा हूँ, 5 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी बनाकर चुनाव में भेजा है, भारतीय जनता पार्टी का 30 वर्ष से मैं लगातार सेवा कर रहा हूँ।
ब्राह्मण वर्ग से आता हूँ ये अलग विषय है, ठीक है। सवाल मेन ये है कि अगर ये पक्ष आप पुलिस के पास रख रहे हैं, हाँ। आप कमिश्नर से मिले, जॉइंट हाँ। कमिश्नर से मिले, हाँ। तो क्या आपकी बात, यानी कि आपका ये भी कहना कि आपकी FIR नहीं लिखी गई, तो आपकी सरकार है आप उसके बावजूद आपकी पुलिस नहीं सुन रही? देखिए, इसमें पुलिस कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट है। शासन, ये जो पुलिस प्रशासन के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ कि पुलिस, जो पुलिस ने अपनी निष्पक्षता से काम नहीं किया, योग्यता से काम नहीं किया, अगर पुलिस इसमें सतर्क रहती तो ये छोटा सा केस इतना बड़ा नहीं होता। मैं आपको कहता हूँ जो कानपुर का प्रशासन है उस प्रशासन की नाकामी है ये, इतना बड़ा। क्योंकि कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया? कानपुर इतना बड़ा, जॉइंट कमिश्नर ने क्या, उन्होंने कहा है इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और एक मेडिकल बोर्ड का गठन होगा। हम और भी और लोग हैं यहाँ पे कुछ, ब्राह्मण क्या नाम है आपका, आपका क्या कहना है इस मामले में? इस काम मामले में कहना है कि शुरू 23 तारीख से हम लोग कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच, और पहले जो पीड़ित थी वो पहुंची सौम्या शुक्ला, और प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होता है अपनी FIR कराने का। गलत सही विवेचना पुलिस पर, पहले दिन से पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। हम लोगों की मांग है कि इसमें निष्पक्ष, आप ये मानते हैं कि अगर अमोलदीप के साथ मारपीट हुई, आँख निकली है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए? नहीं, अमोल मतलब उसको जिसने किया है उसके साथ, अमोलदीप की आँख के लिए इसलिए मामला नहीं माना जाता कि उन्होंने उर्सला से हैलट आए, हैलट में इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, और उन डॉक्टरों से ना उन्होंने इलाज कराया, ना उन्होंने रेफर लेटर बनवाया, और उसके पूरे परिवार के लोग दिल्ली में रहते हैं। जैसा अभी सूचनाएं मिल रही कि वो खालिस्तानी संगठन से भी संबंधित हैं, जो भी मिल रही हैं, तो वो जो है, या बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर जी, ठीक है, ये क्या आप सबूत है कुछ है? अब वो आप सबूत आपने? वो सबूत एक दो दिन में दिए जाएंगे, पर ये है कि वो बिना हाईलाइट में अपना परीक्षण कराए क्यों चले गए? हाईलाइट के डॉक्टरों को कराना चाहिए। ये स्वतंत्रता की कहीं पर कोई व्यक्ति अचानक किसी अस्पताल में तो जा सकता है कि एक्सीडेंट हुआ और वो जा सकता है, पर जब एक प्रॉपर इलाज हो रहा था तो इलाज होने के बीच में उनको अपने मनमानी ढंग से, और वहीं पर एक तय किया कि गंगाराम, तो ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ उनकी गंगाराम हॉस्पिटल में सेटिंग है। यह है कानपुर में BJP पार्षद सौम्या शुक्ला के पति और उनके द्वारा दवा व्यापारी मोलदीप के बीच बवाल की नई कड़ी। अंकित शुक्ला और उनके समर्थों पर पुलिस FIR दर्ज कर चुकी है, जबकि सौम्या शुक्ला आज जॉइंट कमिश्नर के यहाँ मिल करके अपनी FIR दर्ज करने की मांग कर चुकी हैं। जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने इन लोगों की बातें सुनी हैं। इस दौरान उनसे कहा है कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे, सारे CCTV फुटेज कलेक्ट करेंगे। अब देखना ये होगा एक पार्षद और मेडिकल व्यापारी के बीच जो विवाद हुआ, वो जिस तरह से समुदाय में एक सिख और ब्राह्मण के बीच पड़ता चला जा रहा था, उसको पुलिस कैसे मैनेज करती है। हालांकि अंकित शुक्ला ने आज सरेंडर करके पुलिस की काफ़ी हद तक परेशानी कम कर दी है। अब पुलिस के ऊपर दाम लगा रहे हैं कि जो सच्चाई है वो सामने लाए। अमोलदीप की आँख कैसे, की रोशनी कैसे गई, मारपीट का दोषी कौन था, क्या कार्रवाई करती है पुलिस, ये देखने वाली बात होगी। रंजय सिंह, UP तक।